गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है जो करेंगे हम। उन क्वेश्चनों को क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं करके जैसे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं उस फॉर्म में अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो मैं बताऊंगा आज, सारी जो बात बता रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस के ऊपर फोटोसिंथेसिस ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक ये कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दोनों में ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इन दोनों में ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहां पर होती है, वो कहां पर होती है। तो प्रोकैरियोट में दो चीज आती है, एक आता है बैक्टीरिया, एक आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और एक आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं BGA। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु। ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी में लिखते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, या इसी को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल ठीक है। तो देखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कहां पर होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है क्रोमेटोफोर में। कहां पर होती है? क्रोमेटोफोर। कहां पर होती है? क्रोमेटोफोर। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है। क्रोमेटोफोर। अब ये क्रोमेटोफोर क्या है? ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट, वर्णकों का क्या है? समूह। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोफोर। ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहां पर होती है? वो होती है क्रोमेटोफोर में। क्रोमेटोफोर क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट, वर्णकों का समूह है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो झिल्लीबंद कोशिकांगे वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्रोमेटोफोर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उसके अंदर जो वर्णक है हमारे पाए जाते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ठीक। यदि मैं बात करूं नील हरित शैवाल के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां होती है, तो होती है लेमेलिज़म में। कहां पर होती है? लेमेलिज़म। क्या होती है? कहां होती है? लेमेलिज़म। ये सब बोला जाता है कार्बोक्सीज़म। कार्बोक्सीज़म या लेमेलिज़म के अंदर होती है। क्लियर? यदि पूछे यूकैरियोट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, तो आपका आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा है? एक प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? ऑर्गेनल है।
यदि आपको ये तो इतना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तीनों ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूकेरियोट में कहां पर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्लोरोप्लास्ट में, ब्लूग्रेन एल्गी में, लेमेलिजोम या कार्बोक्सीजोम, और बैक्टीरिया के अंदर वो है क्रोमेटोफोर में। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दूं, ऐसा भी पूछ सकता है वो आपको क्वेश्चन कि C4 प्लांट के अंदर जो हमारा C4 प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए बंडल शीत सेल। क्या आना चाहिए? बंडल शीत सेल के अंदर। और यदि आपको पूछने कि C3 प्लांट के अंदर, C3 प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो वो आपका आंसर आना चाहिए मेसोफिल सेल्स। क्या आना चाहिए? मेसोफिल सेल। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। और यदि आपको पूछे कि जनरल जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है हमारी वो कहाँ पर होती है, तो लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर कहाँ पर? मेसोफिल, क्योंकि लीव्स तो ऑप्शन आएगा नहीं, तो आपको करना है मेसोफिल सेल्स के अंदर। कहाँ करोगे आप? मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और देखो ये एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, यदि कोई डाउट हो यहां से तो कमेंट करना, ओके। अब देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि हेटेरोसिस्ट क्या है? एक प्रकार की संरचना है। क्वेश्चन ये आया कि हेटेरोसिस्ट संरचना किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर होती है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। अब इसका काम क्या है? ये फंक्शन करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन को। किसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये कार्य करती है किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ये यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, ठीक है सर। यदि और हम क्वेश्चन यहाँ पर हेटरोसिस्ट के बारे में बताएं, तो हेटरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ ये फ्रेगमेंटेशन को भी प्रमोट करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ ये फ्रेगमेंटेशन को भी क्या करती है? प्रमोट करती है। और ये एक प्रकार की नॉन ग्रीन संरचना है। कैसी है? नॉन ग्रीन संरचना है, ए हरित संरचना है, ठीक है। नॉन ग्रीन हिंदी बोलो तो ए हरित। और ये इसके साथ साथ किसको प्रमोट करती है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को क्या करती है? ये प्रमोट के लिए। और हेटरोसिस के बारे में बताऊं, तो इस हेटरोसिस नामक संरचना में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एब्सेंट होता है। फोटो सिंथेसिस एब्सेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोटो सिस्टम सेक। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम सेकेंड। और ये फोटो सिस्टम यदि इसके अंदर सेकेंड ही नहीं है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है वो भी नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहां से यह भी आया हुआ है कि प्रथम ऑक्सीजनिक जीव इस पृथ्वी पर, प्रथम ऑक्सीजनिक जीव कौन से हैं, तो वो ऑप्शन है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। प्रथम ऑक्सीजनिक जीव है, जबकि बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस करते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, कुल मिलाकर बैक्टीरिया रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि जब तक इस पृथ्वी पर नील हरित शैवाल नहीं आए थे तब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था? अपचयी, यानी कि
रिड्यूसिंग नेचर का था। क्लियर। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था है, ये जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है और जो फोटो सिस्टम सेकंड है, ये रिड्यूसिंग पावर इसके अंदर है। कैसा नेचर का है? रिड्यूसिंग इन नेचर का। और ये फोटो सिस्टम सेकंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेजोसोम के बारे में पूछा हुआ है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो मेजोसोम पाया जाता है, यानी कि प्रो यदि मैं यूकेरियोट की बात करूं तो यूकेरियोट में वहां पर मेजोसोम की जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन यदि मैं बात करूं बैक्टीरिया की, जीवाणु की बात करूं, तो वहां पर मेजोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह। क्या पाया जाता है? मेजोसोम पाया जाता है। और जो मेजोसोम है वो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर? मेजोसोम के अंदर। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेजोसोम पाया जाता है, और जो हमारे यूकैरियोट है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। यदि पूछे आपको एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन है, तो आप प्लास्टिड नहीं करोगे, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ठीक। एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो हमारी प्लांट सेल है उसका सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड, यानी कि लवक। ठीक। तो एक ये भी बात आई कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है, यानी ग्रेने क्या और थैलेकोड क्या है। ये 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वहाँ पर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये 12th में ये टॉपिक डाल दिया, तो वहाँ पर समझना तो पड़ेगा इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को। तो देखिएगा क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है मैं आपको थोड़ा उसको समझा रहा हूँ, और वैसे हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे तो हम कम्प्लीट क्लोरोप्लास्ट की संरचना को वहाँ पर डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा आपको क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्या है महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को अपना ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा सेल ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके। अब देख डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, दोहरी झिल्ली आवद, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दोहरी झिल्ली आवद। अब देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। यहां पर इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना में क्या पाए जाते हैं? थायलेकोइड। क्या पाए जाते हैं? थायलेकोइड। अब ये समझ में यही नहीं आता है बच्चों को, स्टूडेंट को, कि थायलेकोइड क्या होता है और ग्रेना क्या होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट करें फर्स्ट, तो आप कमेंट करना थायलेकोइड और ग्रेना के बारे में ना, आपको कैसा पता है मैं भी तो देखूं। यदि आपको पूछे कि थायलेकोइड क्या होता है, तो आपको थायलेकोइड को याद रखना है थैला से। कैसे याद रखोगे? थैला से, क्योंकि क्लोर ये पूरी संरचना है ये एक प्रकार की क्या है? ग्रेना है। क्या है? ग्रेना, ग्रेना, हिंदी में इसको ग्रेना ही बोलते हैं। यदि मैं ये उठाऊं, ये क्या है? थायलेकोइड है, थायलेकोइड। क्लियर। यानी कि जो ग्रेना का एक पार्ट है, एक पार्ट वो क्या है? थायलेकोइड। वो क्या है?
थैलेकोड यानी कि एक पार्ट, इसको थैला से याद रखो, यानी कि एक थैला, दो थैला, तीन थैला, चार थैला और पांच थैला, ये इतने थैला मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रेना। क्या बना रहे हैं? ग्रेना। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगभग 40 से लेकर के 60 ग्रेना हो सकते हैं, और एक ग्रेना के अंदर लगभग 10 से लेकर के 20 थैलेकोइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? थैलेकोइड। किसके अंदर? ग्रेना के अंदर। थैलेकोइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रेना के अंदर। तो ये थैलेकोइड आपस में से 3D डायमेंशन में एक दूसरे से, एक ग्रेना दूसरा ग्रेना से इस प्रकार से अटैच होता है, लिंक्ड होता है, इस प्रकार से ये एक प्रकार का 3D डायमेंशन है। थैंक यू वेरी मच। आई हैव तो इस प्रकार से ये 3D डायमेंशन में एक दूसरे से क्या है? अटैच है। तो देखो यहां पर ये जो अटैच होते हैं जिस उसको बोला जाता है फ्रेट चैनल, ये जिस लिंक से अटैच होता है उसको बोलते हैं अपन फ्रेट चैनल। फ्रेट चैनल, फ्रेट चैनल, क्लियर। यह जो माइट्रो, यह जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा या इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स, क्लियर। इसलिए इस फ्रेट चैनल को भी बोला जाता है स्ट्रोमा थैलेकोइड। फ्रेट चैनल को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा थैलेकोइड। ये लो हिंदी में लिख देते हैं अपन, स्ट्रोमा थैलेकोइड, क्लियर। अब देखिएगा, तो इसी प्रकार से इस ग्रेना को अपन बोल देते हैं बाद में ग्रेना थैलेकोइड, ग्रेना थैलेकोइड, ग्रेना थैलेकोइड, क्लियर। तो ये ग्रेना थैलेकोइड हो गया और स्ट्रोमा थैलेकोइड हो गया। यहाँ पर हमारा जो फोटो सिस्टम यानी पिगमेंट सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये जो ग्रेना की अपर पार्ट है, नॉन अपर पार्ट, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो नॉन अपेरेंट पार्ट है यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है। मैंने आपको ये पहले बता रखा है एक वीडियो के जरिए, वहां जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर एंजाइम रूबिस को प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम रूबिस को, राइबोसोम, राइबोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इसका खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका क्लोरोप्लास्ट का खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और कुछ क्लोरोप्लास्ट की संरचना में अपन जब क्लोरोप्लास्ट डिटेल पढ़ेंगे तब यहाँ पर बता देंगे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक निप जीन भी पाई जाती है। कौन सी जीन? निप जीन। ये क्या करती है? ये निपजिन जो नाइट्रोजन एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, उनका सिंथेसिस करती है, ठीक है। फुल फॉर्म है इसकी नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है जी। काम क्या करती है निपजिन? ये निपजिन है जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, उन नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सिंथेसिस करती है, क्लियर, नोट कर लेना पड़ेगा। अब देखो और मैं कुछ यहां पर बताऊं आपको,
तो बता दे मेरे मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अब देखो, अब हमारा अपन बात कर रहे हैं यहां पर क्लोरोप्लास्ट को सेल्स विद इन सेल्स बोला जाता है, कोशिका में कोशिका। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? सेल्स विद इन सेल। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? कोशिकांग में कोशिकांग। तो सेल्स विद इन सेल्स बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, और कोशिकांग में कोशिकांग बोला जाता है किसको? राइबोसोम को। दोनों में पूछे हुए क्वेश्चन है AIPMT के अंदर। और यहाँ पर एक वर्ड आता है प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम का मतलब क्या है? ऑल प्लास्टिड प्रेजेंट इन सेल, यानी जब सारे प्लास्टिड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोला जाता है प्लास्टिडोम। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्लास्टिडोम क्या है, क्लियर। और यदि मैं कुछ क्वेश्चन जो पूछे हुए क्वेश्चन की इनकी चर्चा करें तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोरोफिल एक के बारे में। क्लोरोफिल ए एक प्रकार का यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए और केरोटिन एक प्रकार का यूनिवर्सल पिगमेंट है, सार्वत्रिक वर्णक है। इसलिए क्लोरोफिल ए के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, क्योंकि क्लोरोफिल ए के अंदर, क्लोरोफिल ए के अंदर यहाँ पर इसकी हेड की बात करूं मैं तो 15 एंगस्ट्रॉम का इस प्रकार से, और 15 एंगस्ट्रॉम का इस प्रकार से इसका हेड होता है। इसकी एक टेल भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर जो कि 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और इसको बोलते हैं अपन फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, फाइटोल टेल क्या बोला जाता है इसको? फाइटोल टेल यानी कि इसका हेड है और टेल भी है। ये देखिए क्लोरोफिल सी, इसके अंदर फाइटोल टेल क्या होती है? एब्सेंट, क्लियर। फाइटोल टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है यहाँ पर। यदि मैं और बात करूं इस क्लोरोफिल ए की संरचना में, टू कोवेलेंट बॉन्ड और टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी संरचना में लाइन डाल देने, इसकी संरचना में यहाँ पर देखिए कि ये हमारा टेबलेटेड फॉर्म है, जो हमारे जो क्लोरोफिल ए है, जैसे क्लोरोफिल ए है इसका केमिकल फॉर्मूला ये है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट क्योंकि यूनिवर्सल है, आपको ध्यान रखना क्लोरोफिल बी किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो पहले ये ध्यान रख लो क्लोरोफिल बी किसके किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और डायटम के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, और बाकी सभी में ये प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गा और डायटम के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्लोरोफिल सी के अंदर जो फाइटोल टेल है हमारी क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके बाद देखे क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए यहाँ पर जेंटोफाइटा के अंदर प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी ये ओनली पर्पल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है उस नेसेंट ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ऑक्सीजन के अंदर। और ये हेल्प करता है एब्सिसिक हार्मोन के सिंथेसिस में, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है। ये भी है हार्मोन। यहाँ पर कैरोटीनॉइड तीन प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा कैरोटीनॉइड रेड ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और बीटा कैरोटीन क्या है? ये एक प्रकार का कॉमन कैरोटीन है जो कि विटामिन ए के सिंथेसिस में भी क्या करता है? हेल्प करता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है? विटामिन ए के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और ये जो गामा कैरोटीनॉइड है ये ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और यदि हम जेंटोफिल की बात करें तो ल्यूटिन ऑल ग्रीन प्लांट के अंदर पाया जाता है।
व्योलो जैथिन ग्रीन लिम्स के अंदर पाया जाता है और फ्यूको जैथिन ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये था आपको, यहाँ पर एक ध्यान रखना, जो क्लोरोफिल ए होती है उसका जो हेड होता है वो टेट्रापाइरोलिक पोरफायरिन रिंग का बना होता है, टेट्रापाइरोलिक पोरफायरिन रिंग का बना होता है, और जो उसकी टेल होती है वो होती है फाइटोल टेल। क्या होती है? फाइटोल टेल, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और हेड होता है तो 15-15 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, अब देखो और क्लोरोफिल ए के बारे में ध्यान रखते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट है और क्लोरोफिल ए के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। ठीक है, हाँ एक क्लोरोफिल ए के बारे में ध्यान रखनी, एक जो क्लोरोफिल ए है उस प्रकार ये हेड है इसका टेट्रापाइरोलिक रिंग इस प्रकार से बना देता हूँ मैं आपके सामने ना, क्लोरोफिल ए की इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, कौन सी मेटल है ये Mg। ठीक है, तो Mg इसके बीच में यहाँ पर पाया जा रहा है, ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए की संरचना के मध्य में सबसे मध्य में कौन सा पाया जाता है मिडल के अंदर, तो वो आता है Mg। ठीक, Mg है जो पेप्केज और रूबिस्को एंजाइम का क्या है कोफैक्टर का काम ही करता है। ये Mg जो प्लस प्लस है आयनाइज फॉर्म में होकर के यहाँ पर पेप्केज एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम का भी क्या करता है कार्य करता है। यहाँ पर दो कोवेलेंट बॉन्ड और दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं और इस संरचना को बोलते हैं अपन टेट्रापाइरोलिक पोरफायरिन रिंग। ओके, थैंक यू फॉर।